ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मुझे क्रोसॉन बहुत पसंद है, स्पेशली चाय के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। ऑब्वियसली ये फैट्स और कैलोरीज में हाई होता है, मगर कभी कभी खाने में कोई हर्ज नहीं। हेयर आई एम शेयरिंग अ वेरी यूजफुल हैक फॉर एवरीडे लाइफ। अगर किसी को स्मेली फीट का प्रॉब्लम है, या अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग जब शूज़ उतारते हैं तो पैर स्मेल करने लगते हैं, कोई भी ड्यूडरेंट स्टिक या रोल ऑन ले लें और अपने पैरों को बिल्कुल पहले साफ़ करके ड्राई कर लें और ऊपर से ये लगा दें और फिर शू पहन लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद आप जब भी शूज़ उतारेंगे बिल्कुल स्मेल नहीं आएगी। यहाँ हमारा छोटा शेफ़ आज मग केक बना रहा है। बनाना तो मुझे था, मगर मुझे किसी काम से जाना था, थोड़ा सा ग्रॉसरी के लिए भी कुछ चीज़ें भी लेनी थी, सो मैंने हूरिया से कहा कि हूरिया आज आप केक बना दो। ये केक मिक्स फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि मुझे एयर फ्रायर में ट्राई करना था और उस ब्रांड का नाम है केक शेक। इसमें ब्राउनीज़ भी हैं और बाकी फ्लेवर्स भी केक के हैं, पैन केक्स भी थे इसमें, मगर मैंने ये इंस्टेंट मग केक लिया और इसको देखते हैं कि ये कैसा बनता है आज। मुझे ये 350 रुपये का मिला। इसके अंदर 5 साशे हैं और पीछे इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई हैं इसमें। अब जस्ट इसमें मिल्क और ऑयल ऐड करना है। केक्स बनाने हो या कोई भी मीठा बनाना हो तो मैं प्रेफर करती हूँ कोकोनट ऑयल ही, क्योंकि कोकोनट ऑयल से खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। और मगर यहाँ क्योंकि हूरिया बना रही थी तो वो एक जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है वो यूज़ कर रही है। और ये देखें, इसने गिरा भी दिया है और अब साफ़ भी कर रही है। बच्चों से ये सारे काम करवाने चाहिए, उनको आने चाहिए, ये सारी लाइफ स्किल्स ही होती हैं और इस तरह ही वो सीखते हैं। तो बस ये अब रेडी है एयर फ्रायर में जाने के लिए। फ़र्स्ट टाइम ही बना रही हूँ तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है टाइमिंग्स का। फ़िलहाल मैंने इसको 14 मिनट्स पे रखा है और 180 इसका टेम्परेचर रखा है, तो एक दो दफ़ा इसको बीच बीच में चेक करके देखना है और अंदर तक इसके फोक में डाल के चेक कर रही हूँ कि ये सही बना है कि नहीं बना। थैंक्स गॉड, बिल्कुल परफेक्ट बना है। मगर ये देखें क्या हुआ है मेरे साथ, मेरा हाथ जल गया है। और ये कप बहुत ज़्यादा गर्म था, सेरेमिक का कप था, इसका होल्डर बस वो एकदम से टच कर गया है और चिपक सा गया मेरी उंगली में। और बस फौरन से मुझे हमारे घर की जो डॉक्टर साहिबा हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी कि अब बस आप बर्फ़ लगा लें और थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा। 1-1.5 घंटे तक तो बहुत ज़्यादा बर्निंग हो रही थी, मगर शुक्र है कि उसके बाद कोई ब्लिस्टर वगैरह भी नहीं बना और फिर दर्द भी काफ़ी कम हो गया, रिलीफ मिल गया बस। और 2 दिन के अंदर ही उंगली बिल्कुल ठीक हो गई। वो कहते हैं ना, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, तो नो वरीज़, ये तो चलता रहता है। बस ये फिर तो मेरे मज़े ही हो गए और ख़ूब मैंने रेस्ट लिया। और खाना भी बाहर से ही हस्बैंड ने ऑर्डर किया, इंडियन चस्का हम लोगों ने यहाँ से फूड ऑर्डर किया था फूड पांडा से ही। इनके यहाँ सारी इंडियन फूड रेसिपीज़ मिलती हैं, जैसे वड़ा पाव, पाव भाजी और कड़ी खिचड़ी, या गुजराती डिशेज़ भी कह सकते हैं, तो बड़ी मज़ेदार थी, बहुत टेस्टी था। रात को हम लोग थोड़ा सा ग्रॉसरी के लिए निकले और चेज़अप हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं। चेज़अप जो जेल चुरंगी की तरफ है वो काफ़ी बड़ा भी है, कराची के लोग तो जानते ही होंगे। यहाँ से फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। यहाँ मैं आज कर रही हूँ वीकली मील प्लानिंग और ये क्लिप है 2 दिन बाद का। थर्सडे या फ्राइडे मैं अपना वीक का पूरा मील प्लान बना लेती हूँ और लिख लेती हूँ क्या चीज़ें मेरे पास फ्रिज में हैं, क्या चीज़ें शॉर्ट हैं। फिर ग्रॉसरी के लिए अगर जाना होता है वीकली तो वहीं से मैं ले लेती हूँ। और फिर सेमी कुक्ड, हाफ कुक्ड, 2 दिन में ही सैटरडे और संडे मैं अपना कुकिंग में देती हूँ और काफ़ी चीज़ें मेरी रेडी हो जाती हैं। नेक्स्ट वीक पूरा मेरा सुकून से गुजरता है। कभी कभी अगर ऐसा हो कि मैं ये सब इतनी ज़्यादा चीज़ें ना बना सकूं तो एक काम ज़रूर कर लेती हूं कि प्याज, टमाटर, उसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिलीज़ डाल के उसको भून के और उसका पेस्ट बना के रख लेती हूं। उससे ये कि ग्रेवी बनी हुई होती है, फिर जो कुछ भी बनाना हो, मोस्टली हम लोगों के पास वेजिटेबल्स भी बनती हैं तो वो बहुत ईजी हो जाता है फिर बनाना। ये यहाँ मीठा भी रेडी हो चुका है और अब मैं इसे कप्स में डाल रही हूँ। उसके बाद थोड़े से नट्स इसके ऊपर डालूँगी और फिर ये जाएगा फ्रिज में।
तो बस आज की वीडियो होती है यहीं पे एंड। अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। मिलते हैं अगली वीडियो में।